उम्मीद जगह है, और उसी उम्मीद को लेकर आज हम लोग गांव-गांव जाएंगे, जन जागरण करेंगे और लोगों का हम लोग जोड़ने का, संगठन में जोड़ने का काम करेंगे। गांव-गांव से लेके पंचायत, पंचायत से लेके प्रखंड, प्रखंड से लेके सभी को जागरूक होना होगा, सभी बच्चों से लेके बूढ़ों तक जागरूक होना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम हमारे नौकरियों पर बाहरियों का अधिकार, अगर हम कहीं कंपनी भी जाते हैं वहाँ भी बाहरियों का अधिकार, हमारे जल जंगल जमीन सब पर बाहरियों का अधिकार, अगर इस तरह शोषित होते रहेंगे तो हमको लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल बाद आने वाला पीढ़ियों का और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आकर्षणी गेस्ट हाउस में हुई, विशेष रूप से JVKSS खरसावां विधानसभा क्षेत्र में जो है विधानसभा स्तर से लेकर के एक बूथ स्तर तक हम लोग किस प्रकार से सदस्यों को जोड़ेंगे, JVKSS में एक मजबूती रूप कैसे करके दिया जा सकता है, इस पर विशेष रूप से बहुत लंबी चौड़ी बैठक हुई। इस बैठक में गम्हरिया प्रखंड, सरायकला प्रखंड, कुचाई प्रखंड, खरसों प्रखंड, लगभग लग सभी क्षेत्र से जो हमारे क्रांतिकारी भाई लोग हैं, क्रांतिकारी साथी लोग हैं, सब कोई उपस्थित हुए। आज इस बैठक के माध्यम से, हमारे इस बैठक में जो निर्णय लिया गया है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द JVKSS का प्रत्येक प्रखंड के जो पदाधिकारी लोग होंगे, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय, बूथ स्तरीय कमेटी विस्तार करने जा रहे हैं। इसी के माध्यम से हम लोग JVKSS को एक मजबूती रूप देने के लिए बहुत बड़ा फैसला ले लिए हुए हैं। जो भी सदस्य JVKSS से अब तक उनकी बातों को लेकर के, उनको उनकी मुद्दों को लेकर के, उनकी विचारों को लेकर के आपने अगर थोड़ी सी भी कहीं अगर दिल में जगह हो, तो आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए हमारी JVKSS खरसावां टीम सभी अलग अलग प्रखंड क्षेत्र के लिए कुछ नंबर जारी किए जा रहे हैं। उस नंबर के माध्यम से भी आप अपने तरफ से, आप हमारे कमेटी के, हमारे टीम के सदस्य के साथ आप जुड़ करके हमारे JVKSS का जो उद्देश्य है उसमें आप अपना सहभागिता निभा सकते हैं। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम सभी JVKSS के टीम निष्ठापूर्वक जो है अपनी ग्राउंड लेवल में किस प्रकार से बात को रखेंगे। JVKSS के जो मुद्दे हैं ग्राउंड लेवल में जन जन तक इन चीज़ों को जो है कैसे करके हमारे लोगों तक हम पहुंचाएंगे, और JVKSS के उद्देश्य, JVKSS के मूल मोटो क्या है, इनके बारे में जो है बताने के लिए सभी क्रांतिकारी साथी आपके पास पहुँच जाएंगे बहुत जल्द। और हम आशा करते हैं आप JVKSS के साथ जुड़ेंगे, और हम सारी हमारी टीम है आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती है। आपके सहयोग से ही JVKSS मात्र एक नेतृत्व करता है, अपने विचारों को लेकर के जिस मुद्दे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं उस मुद्दे का शिकार आप भी हो रहे हैं, इसलिए आपके शिकार होने के कारण, आपके जिस मुद्दे को लेकर के आप शिकार हो रहे हैं, आपके सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए JVKSS सामने आए हुए हैं। बस आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जोहार। सभी को खतियानी जोहार रहेगा। आज तमाम जितने भी क्रांतिकारी साथी आज यहाँ खरसावां विधानसभा का आज हमारे एक अहम बैठक हुई आकर्षणी गेस्ट हाउस में, हम लोग कमेटी को हम लोग आगे कैसे चलाएंगे इस JVKSS संगठन को, इस पर आज विचार विमर्श किया गया। और हम लोग बहुत जल्द ही प्रखंड स्तर हो या पंचायत स्तर हो, बूथ स्तर हो, उसकी तिथि को घोषणा करेंगे, क्योंकि हमें कमेटी बनाने का आज ऊपर से निर्देश आया है, तो कमेटी हम लोग बनाने जाएंगे। इसलिए तमाम जो भी लोग आज हमको इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उन तमाम लोगों से अनुरोध रहेगा, और कुछ नंबर भी हम लोग जारी करेंगे पेपर में और तिथि भी जारी करेंगे, तो उस तिथि में जरूर पहुँचे। और आज आप लोगों का दिशा निर्देश, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हो या भी जो भी क्रांतिकारी सदस्य हैं, जो हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, जो नोट जुड़ नहीं पाए हैं, वे लोग पहुंचेंगे उस दिन। अभी हम लोग तिथि का भी हम लोग तारीख घोषित नहीं किए, लेकिन बहुत जल्द हम लोग करेंगे। तो आशा करते हैं कि सभी क्रांतिकारी सदस्य और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी पहुंचेंगे। और जैसे हम लोग जो JVKSS संगठन है, देखिए हम लोग यही करेंगे, मतलब हर एक अंतिम व्यक्ति जो भी बचा सभी के पास जाएंगे। आज हमारा जो लड़ाई है मुख्यतः हक अधिकार की लड़ाई है, उसी की लड़ाई हम के लिए हम लोग आगे कैसे लड़ेंगे, इस पर आप लोगों का हम लोगों का मार्गदर्शन रहेगा। इसीलिए अभी जो भी हम लोग तारीख घोषित करेंगे उसमें सभी पहुंचेंगे। कतरा भर जो भी लोग अभी हम लोगों को साथ देंगे, वादा रहा वक्त आने पर पूरा समंदर उन लोगों को हम लोग लौटाएंगे। इसीलिए जितने भी क्रांतिकारी सदस्य या जो भी लोग हैं, हमारे मैसेज वीडियो से के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जो तारीख यहाँ खरसावां विधानसभा के लिए मैंने कमेटी गठन के लिए घोषित होगी, उसमें आप लोग जरूर पहुंचेंगे। एक
खरसवा विधानसभा के लिए एक निर्णायक दिन होगा, इसीलिए सभी क्रांतिकारी साथी वो दिन जरूर पहुंचे। सभी को जोहार। आज खरसवा विधानसभा स्तरीय बैठक आकर्षणीय गेस्ट हाउस में रखा गया। आज का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग संगठन जो JBKSS का बना, संगठन में कहीं ना कहीं लोग बहुत जुड़े हैं, हर गांव से हर घर से लोग जुड़े हैं, लेकिन वो लोग तक हम पहुंचेंगे कैसे, वो आज का जो मुद्दा है उन लोगों सब कोई जानता है, लेकिन उन लोगों तक आज संगठन को जोड़ने के लिए उन लोगों तक हम लोग को पहुंचना होगा। आज यही माध्यम है कि हम लोग बैठक के माध्यम से लोगों को कल का दिन में हम लोग इस संगठन में जोड़ने का काम करेंगे और इस संगठन के माध्यम से कल हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो अहम रोल होता है संगठन का, हम लोग का नया संगठन बना है, इसलिए लोगों को जोड़ना हम लोग का सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि लोगों को जोड़ना। और जहां तक बात है हम लोग का जो JBKSS का मुद्दा है, वो मुद्दा किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है, इसीलिए आज लोगों में जो रुझान है JBKSS के प्रति वो आप देख सकते हैं, बलियापुर से लेके अब डुमरी या फिर कहीं भी टाइगर का प्रोग्राम होता है, बहुत मीडिया प्रेस बंधु लोग पूछते हैं कि कहाँ से फंडिंग होता है। आज लोगों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं 23 सालों में जिन जिन पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने झारखंड में राज किया, उन लोगों ने सिर्फ झारखंड के लोगों को सिर्फ धोखा दिया है, इसीलिए आज टाइगर के प्रति लोगों में विश्वास उम्मीद जगा है और उसी उम्मीद को लेकर आज हम लोग गाँव जाएंगे, जन जागरण करेंगे और लोगों को हम लोग जोड़ने का, संगठन में जोड़ने का काम करेंगे। सभी प्रखंड वासियों और पंचायत वासियों को और मेरा झारखंड वासियों को खतियानी जोहार। मैं मनोज खरसवा विधानसभा JBKSS से बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो आकर्षणीय अतिथिगृह है इसमें बैठक रखा गया था। इस बैठक में ये सामने आया मुद्दा कि हम लोग को प्रखंड स्तर से और पंचायत स्तर से लेके गांव स्तर तक, बूथ स्तर तक आगे बढ़ना होगा और इस संगठन को आगे लेके इतना ऊंचा स्थान तक पहुंचाना होगा कि बाकी जो राजनीतिक दल हैं और नेताओं हैं, इन्होंने जो हम लोगों के ऊपर शोषण किया है, इसके विरुद्ध हम लोग खड़ा हो सके और उन लोगों को हावी हो सके और ये बता सके कि हम लोग कौन हैं और हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। हम लोग का लड़ने का खास मकसद ये है और जन को जागरूक करने का खास मकसद ये है कि हम लोग अपना हक के लिए, अपना जमीन के लिए लड़ रहे हैं और अपना हक अधिकार दूसरों को हम देना नहीं चाहते हैं। और मेरे साथ साथ हमारे JBKSS टीम के साथ साथ आप सब प्रखंड वासियों और खरसवा विधानसभा वासियों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग भी जागरूक होइए, गांव गांव से लेके पंचायत पंचायत से लेके प्रखंड प्रखंड से लेके सभी को जागरूक होना होगा, सभी बच्चों से लेके बूढ़ों तक जागरूक होना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम विगत जो 1947 से जब हमारा देश आजाद हुआ है तब से शोषण होते हुए आ रहे हैं। झारखंड बनने के बाद 23 साल हो गया, इसमें भी शोषण हो रहे हैं, झारखंड अलग राज्य बन गया इसके बाद भी हम लोग शोषण हो रहे हैं और ये शोषण होते रहेंगे, इसीलिए हम लोगों को आगे आना होगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा इस JBKSS टीम के साथ। इतना ही बोल के मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी को खतियानी जोहार। सभी को खतियानी जोहार। जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, JBKSS एक विचारधारा की पार्टी है और उसी विचारधारा से आज जितने भी अधिकतर देखेंगे सब JBKSS से जुड़ने वाले लोग अधिकतर युवा वर्ग के लोग हैं। कहा कि ये जो युवा वर्ग के लोग हैं, इन्होंने पूरा 23 साल 24 साल झारखंड को लूटते हुए देख रहा है और जो हमसे पहले वाला वर्ग था उन लोग को ये सब का जानकारी नहीं था, जानकारी का अभाव था, मतलब शिक्षित नहीं थे। आजकल झारखंड के बच्चे पढ़ लिख के शिक्षित हो रहे हैं, कोई भी पार्टी नेता हो, कोई भी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी आते हैं वो हमेशा झारखंड को ठगने का काम किए हैं और उसी के चलते आज हम लोग झारखंड के जितने भी झारखंडी भाई बहन हैं सब खाली शोषित हैं, ग्रसित हैं और कुछ नहीं है। हमारे नौकरियों पर बाहरियों का अधिकार, अगर हम कहीं कंपनी भी जाएं तो वहाँ भी बाहरियों का अधिकार, हमारे जल जंगल जमीन सब पर बाहरियों का अधिकार। अगर इस तरह शोषित होते रहेंगे तो हमको लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल बाद आने वाला पीढ़ियों का और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो उन मुश्किल हालातों का सामना नहीं करना पड़े हमारे आने वाले पीढ़ियों के बच्चों के लिए, इसीलिए हमारे JBKSS जो पार्टी का विचारधारा है उसको हमें जन जन तक पहुंचाना है और JBKSS का
सदस्यता हमारे गांव घर प्रत्येक घर में सदस्य जेबी केसेस का रहना रखना पड़ेगा। बस इतना ही कह के मैं अपना वाणी का विराम।